भारतीय टीम पहुंची वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। सामने आई भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11, जानेंगे क्या है पूरी खबर। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। भारतीय टीम ने अपने चौथे मुकाबले में आयरलैंड के ऊपर शानदार जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो चुका है। भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 23 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। आपको बता दें, अभी भी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाला मुकाबला बाकी है। अगर इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को हार जाती है तब भी वो टॉप पर बनी रहेगी, क्योंकि उसकी नेट रन रेट काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला केप टाउन में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से शुरू होगा। आप इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख पाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम से काफी मजबूत नजर आती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई ऐसी खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जीत भी दिला सकती हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम को जीत हासिल करनी है तो स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाली हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 में स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 3 मैचों में 149 रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 50 के करीब है। दूसरी तरफ गेंदबाजों की बात करें तो रेणुका सिंह ठाकुर ने अभी तक सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं और काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि इस मुकाबले में बारिश भी देखने को मिली और भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत इस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले सेमीफाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 में शायद ही कोई बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डालें तो स्मृति मंधाना, सैफ अली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, देविका वैद्य, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।